देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग। नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग। कुछ थे पहले के तरीके, तो कुछ हैं आज के रंग ढंग। रोशनी आके अंधेरों से जो टकराई है, काले धन को भी बदलना पड़ा आज अपना रंग। कांग्रेस पार्टी विच हैज इन द पास्ट बीन हेडेड बाय ग्रेट लेजेंड्स इज टुडे हेडेड बाय अ जेंटलमैन हु डजंट इवन हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इज। दे डिड नॉट अंडरस्टैंड नेशनल सिक्योरिटी, दे ओनली अंडरस्टैंड पैसा टू यूज हिज ओन वर्ड। जब नोटबंदी हुई तो उसका प्रभाव देखने को नहीं मिला था, और शायद इसलिए नहीं मिला कि थर्ड क्वार्टर में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में नवंबर में हुई, और नवंबर का काफी हिस्सा आपने एग्जेम्पशन दिए हुए थे तो करेंसी मूवमेंट चलती रही थी। थोड़ा सा प्रभाव दिसंबर में पड़ा होगा, फोर्थ क्वार्टर में उसका प्रभाव अधिक देखने को मिला। और पहले भी सीए का भी ये एनालिसिस था कि थर्ड क्वार्टर की तुलना में फोर्थ में आएगा, और जो एक या दो क्वार्टर्स में उसका प्रभाव चल सकता था वो फोर्थ क्वार्टर में है, थोड़ा स्पिल ओवर इसमें हो सकता था। लेकिन अगर इसमें स्पिल ओवर का प्रभाव ज्यादा होता तो फिर सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों गिरते। ऐसा नहीं हुआ, सर्विसेज इंक्रीज किए हैं और मैन्युफैक्चरिंग गिरा है, जिसका अर्थ यह है कि ट्रेडिंग चलती रही और पैदावार नहीं हुई। तो पुराना जो स्टॉक था उसकी डिस्टॉकिंग जीएसटी के ईव में, वो शायद ज्यादा बड़ा कारण लगता है। किसी को समझ में नहीं आया दिसंबर में, मैंने चुपचाप दिसंबर 2015 में ये जो दिवालिये वाला इंसॉल्वेंसी लॉ था ये पार्लियामेंट में डाला, कमेटी ने क्लियर किया, पास कर दिया। ये लाखों करोड़ रुपया बैंक्स का लेकर उसके ऊपर बैठ जाएं और वापस करना या उसका ब्याज देना या उसको सर्विस करना, ये इस देश की कल्चर ही नहीं बची थी। अब ये कोई देश चल नहीं सकता कि बैंकों का दिवालिया पिट जाए और बैंक का सारा पैसा कुछ लोगों की जेब में चला जाए। अब जिनकी जेब में जाएगा उनका दिवालिया पिटेगा और पैसा वापस बैंक में आएगा, ये तो उससे बेहतर व्यवस्था है। और थोड़ा शौक जरूर लग रहा है उन लोगों को कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमें बैंक का पैसा वापस भी करना होता है। एक वो वक्त था कि केवल हम गरीब देश हैं, इस दुख को हम रोते थे। लेकिन इस देश का सौभाग्य है कि जिस दिन से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, 3 साल से इतिहास में पहली बार दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की। कोई लिखता है कि हिंदुस्तान के बारे में इट्स अ ब्राइट स्पॉट, इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट, तो आपके पास पहली बार प्रधानमंत्री भी ऐसा है, सरकार भी ऐसी है जो निर्णय करने से घबराती नहीं है, जिसमें कठिन निर्णय करने की भी क्षमता है। आज की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में राज्यों में और केंद्र में मिलाकर 17 ट्रांजैक्शन टैक्स है, 23 सेस हैं, उन सब को समाप्त कर दिया गया है और उनके स्थान पर केवल एक टैक्स रहेगा। उस हर टैक्स के लिए अलग रिटर्न जाता था, आज एक रिटर्न जाएगा। हर एक असेसी को अलग अलग टैक्सेशन अधिकारियों के साथ इंटरफेस करना पड़ता था, आज केवल उसको अपने सॉफ्टवेयर के साथ एक रिटर्न के माध्यम से इंटरफेस करना पड़ेगा, और केवल सॉफ्टवेयर के ऊपर रजिस्ट्रेशन ले लेना, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद हर महीने की 10 तारीख तक केवल एक फॉर्म भरना कंप्यूटर पे कि मेरी पिछले महीने की ट्रांजैक्शन क्या है उस पे डाल देना, और उसके माध्यम से टैक्स के ऊपर टैक्स न लगना, ये इसकी विशेषता है। पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट, और चुंगी नाकाओं के ऊपर ट्रकों की भीड़ वो समाप्त होगी, और एक प्रकार से सिंगल फ्लो गुड्स और सर्विसेज का पूरे देश के अंदर इसके बाद होगा।
और इसका एक और लाभ है कि जो एक बार आपने टैक्स दे दिया इनपुट्स के ऊपर, आउटपुट के स्तर पे उसका आपको लाभ मिलने लगेगा, महंगाई के ऊपर भी लगाम लगेगी, टैक्स अवॉइडेंस कठिन होगा, रेट पहले की तुलना में कम होंगे, देश की जीडीपी को लाभ मिलेगा, और जो अधिक राज्यों को और केंद्र को साधन मिलेंगे वो इस देश के गरीब की सेवा करने के लिए उनको एक अवसर उपलब्ध होगा। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।